छियालीस विधायक है लेकिन वहां पे 150 लोग बैठे थे और इनके जो जो पार्षद होंगे कुछ उनको भी अगर गिन लीजिए तो भी इनकी जो 150-200 की संख्या वहां थी वो कौन थे ये बताना आज अरविंद केजरीवाल को बहुत जरूरी है कि बीजेपी के 20 लोगों के शीर्ष मंडल को मिलने के लिए आपको 200 लोग क्यों बुलाने पड़े वो कौन थे। मैं कहना चाहता हूं बताना चाहता हूं आपको उसमें असामाजिक तत्व थे, गुंडे बुलाए हुए थे और उनकी एक बड़ी साजिश की तैयारी थी, ये हमने वहां घुसते ही समझ लिया। फिर भी हमने जरा भी अपने चेहरे पे वो भाव नहीं रखा कि आपने ये सारी व्यवस्था क्या की। हमने आपत्ति जरूर दर्ज कराई कि भाई हम तो अरविंद केजरीवाल जी हम तो आपसे मिलने आए हैं, 20 लोगों का शिष्टमंडल है, 20-25 लोग मिल लो, 40 लोग मिल लो, कहीं और बैठ जाते हैं फिर यहां आएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कहीं और नहीं बैठेंगे, यही बैठेंगे, आप लोग बैठिए यही बैठे। हमारी टीम शॉक थी, हम तो समस्या का निदान निकालने गए थे लेकिन जब हमने देखा ये नहीं तो बिल्कुल रिजिड है, हम यही बैठेंगे यही बातें होगी। और माइक लिया अरविंद केजरीवाल जी ने और जैसे रैली संबोधित करते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने संबोधित करना शुरू किया और उन्होंने शुरू करते ही बता दिया कि आप कुछ भी कहिए हम आपको लेकर के एलजी के पास जाने वाले, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि ये सब माइक पे हुआ है इसलिए कोई इसको छुपा नहीं सकता। आपने तो साहब मेरी बात भी नहीं सुनी, आपने डिसीजन निष्पक्ष कर दिया, यही डिसीजन होगा। फिर भी हमने अपनी बातें रखना शुरू किया, सब कुछ विपरीत माहौल के बावजूद भी, इस माहौल के साथ ही हम लोग वापस आ सकते थे क्योंकि हमारी मीटिंग में इस तरह का माहौल बनाना नहीं था। फिर भी हमने कहा कि नहीं हम आपसे बात करें, हमने माइक लिया, हमने उनसे बात करना शुरू किया। अभी मुश्किल से दो ढाई मिनट बात किए होंगे तब तक एक जितेंद्र तोमर, क्या नाम है, जितेंद्र तोमर नाम के विधायक उठते हैं जो फर्जी डिग्री में सजा फर्जी डिग्री वाले। जितेंद्र तोमर खड़े होके मुख्यमंत्री के घर में जिसने मिलने बुलाया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बोलते हैं ए तिवारी ये भाषण बंद करो, हम तुम्हारा भाषण सुनने यहां पे नहीं आए। मैं आश्चर्यचकित था, अरविंद केजरीवाल सामने बैठे थे, उनकी पूरी टीम पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ और एक आदमी उन्हीं के घर में ऐसा इंसल्ट किया कि मैं कभी उसको देख रहा हूं कभी उनके लोगों को, सबकी आवाज आ रही कभी मैं अरविंद केजरीवाल को देख रहा हूं। मुख्यमंत्री अपने आवास पे बुला के इस तरह से बेइज्जत करेगा ये हमने सोचा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। फिर मेरा वो जो शंका था कि ये जो इतनी तैयारी किए हैं निश्चित रूप से इनका मनसा गलत है, वो जो शंका था वही हो गया। फिर मैंने दो मिनट सोचा मैं क्या करूं, फिर भी मैंने अपनी बात रखी, मैंने वहां भी कहा कि मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं दिल्ली की 2 करोड़ जनता का दर्द है उसको लेकर के मुख्यमंत्री के पास आया हूं जो विधानसभा में कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूं, मालिक के पास सेवक कहते हैं। और उनके सामने घर में आपका कैमरा झूठ नहीं बोलेगा साहब, दिल्ली बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है सीलिंग के समस्या को दूर करने के लिए लेकिन 3 साल से कुर्सी पे बैठी सरकार से हमें से कितना पूछा था आपने 351 सड़कों का क्या किया है, आपने अब तक अनऑथराइज दिल्ली को किस प्रकार से रेगुलराइज करने का प्रयास किया है और हमारे साथ एमसीडी है इसको बताइए, अभी कुछ और अगर है तो हम करने को तैयार आपके घर आए, दोष मत दीजिए, सड़कों पे जाकर के भ्रमित करी मत करिए दिल्ली को, काम करिए, डू योर जॉब, ये हमारा आज का एजेंडा था, आप अपना काम करिए हमसे क्या सकते ले सकते हैं। और हम इस पे कोई राजनीति करना ही नहीं चाहते थे, हम तो अपनी गरिमा छोड़ दिए साहब, प्रोटोकॉल छोड़ दिए साहब, हम सभी सांसद हैं इस देश के,
और हमने कुछ नहीं सोचा हम कहां जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। हम चल के गए इसलिए कि हमें दिल्ली की जनता की परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही। और आप मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के हर व्यक्ति की समस्या को दूर करने का प्रयास करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में जब जितेंद्र तोमर खड़े होकर बीच सभा में हमको इतना इंसल्ट करते हैं, तो फिर मुझे सोचना पड़ा कि कहीं इससे ज्यादा साजिश तो नहीं है। हम लोग बार बार एक शब्द सुनते हैं, अर्बन नक्सलाइट। आज मैं एक बार फिर से प्रूव करते हैं शिष्टमंडल के साथ कैसे मिला जाता है। अरविंद केजरीवाल आपको तुरंत ही याद होना चाहिए जब आप खट्टर जी से मिलने गए थे। आप जब हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से मिलने गए तो क्या आपके साथ खट्टर साहब ने यही व्यवहार किया था? क्या आपको ऐसे ही मिले थे 150-200 लोग मिला करके? क्या आपके साथ बैठने के पहले ही पूरा भी क्या सहमति बनेगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, इसके पहले पूरा देश में लाइव हो रहा था? हम लाइव से तो डरते नहीं, हम तो चाहते हैं लाइव बैठ हुआ। हम झुग्गी में बैठ करके आपको लाइव बुलाए, आप आए नहीं। झुग्गी में लोग पानी बिना परेशान है, बोलते हैं जाके अरविंद केजरीवाल को बोल दो मनोज तिवारी जी कि आप हमको पाइप लगा दो, हमको मीटर लगा दो, हम पैसा देने को तैयार है, लेकिन हमको पानी नहीं मिल रहा है। हम बोले अरविंद भाई आओ, मुख्यमंत्री जी आओ, तब तो आप नहीं आए। जब बेघर लोग मर रहे थे हमने कहा आप आओ, तब तो आप नहीं आए। आप नितिन गडकरी जी के यहां गए, आपको गडकरी जी कैसे मिले? अतिथि से कैसे मिला जाता है, आपको इन उदाहरणों से समझ लेना चाहिए। तो उसके बाद भी इस व्यक्ति के मन में कितनी गंदगी है। हम मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं, मीडिया को जहां भी ऐसा फुटेज मिले मीडिया को अच्छा लगेगा, लेकिन शिष्टमंडल से मिलने का तरीका क्या होता है, समस्याओं के समाधान का तरीका क्या होता है, ये तो जग जाहिर है, प्रोटोकॉल है, सारी बातें होती हैं। हम उसके बाद भी बैठे थे, उसके बाद भी बातें कर रहे थे। आपने एक व्यक्ति को खड़ा करा दिया, हमने जब भांप लिया कि भाई अभी तो इंसल्ट तो हो गया, अभी इस इंसल्ट के बाद क्या हमें यहां रहना ठीक है, क्या इनकी मनसा कोई समझ सुझाव निकालने का है? तो उनके तेवर को देखने बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इससे पहले कि और कोई बात बढ़े हमें यहां से शांतिपूर्वक निकलना चाहिए, और हमने अपनी बात करके निकलना शुरू किया। उसके बाद हमारी मेयर पे हमला, हमारे विजेंद्र गुप्ता के पेट में मुक्के मारे गए, हॉस्पिटल में अभी एमएलसी करा के आपके पास पहुंचने वाले हैं, गालियां दी गई, घर के बाहर लगभग 150 और लोग खड़े थे, बसों से भी लोग आए थे, बाउंसर आए थे, महिलाओं के ऊपर अटैक हुआ। और ये कहां हुआ? ये दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पे हुआ। हमने आज एक सूझबूझ दिखाई, हम वहां से बड़ी शांति पूर्वक निकले, हमें चोट लगी है, फिर भी हम आज मुख्यमंत्री के आवास को मारपीट का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जी, अगर हम चाहें तो 150 नहीं, हम 10-10, 20-20 हजार लोग लेकर के आपके घर पे आ सकते हैं। हमने वो रास्ता नहीं चुना है आज, क्योंकि हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते इस मुद्दे पर, हम दिल्ली की समस्या को सुलझाना चाहते हैं। दो हमारी मेयर पे अटैक हुआ है, इस पे नीमा भगत और प्रीति अग्रवाल पे। विजेंद्र गुप्ता को चोट लगी है, तो हम लोग फाइनली हमको थाने जाना पड़ा। थोड़ी देर हम वहां बैठे, चिंतन किया, मनन किया क्या करना चाहिए, तो हम तो गए थे मामला सुलझाने,
लेकिन हम पहुंच गए थाने। हम थाने जाकर के हमने वो अपनी सारी व्यथा बताई है और उसके बाद मैं कुछ डायलॉग भी देखा हूं अरविंद केजरीवाल के लिए। बीजेपी के लोगों ने कुछ ऐसा भी बोला उन्होंने कि बीजेपी के लोग भीड़ लेके आए। तो आज हम पुलिस से भी निवेदन करेंगे, जो हमारी एफआईआर हुई है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हम ये हमने एफआईआर करवाई है, इस एफआईआर में सारी बातें हैं क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बात है। और कंप्लेन की कॉपी है, इसकी कंप्लेन की कॉपी आप अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको दे भी देंगे। और आगे की स्थितियों में हम बहुत गंभीर चिंतन में। लेकिन आज हमने डिसाइड किया कि अरविंद केजरीवाल जी चाहे किसी भी तरह से, आपने सुझाव निकालना नहीं है, आप अपने घर से हम लोगों को मार पीट करके भगा दिए, आपने इतना बड़ा क्योस पैदा किया, उसके बाद भी हम चाहते हैं कि आप 351 सड़कों पे सीलिंग नहीं हो रही इस प्रकार का झूठ मत बोलिए। 351 सड़कों पे सीलिंग हो रही है, सीलिंग पूरे दिल्ली में एक एक तरफ से शुरू हो रही है, कहीं हो रहा है और ये आप ये मत कहिए कि अभी वहां तक पहुंच जाएगा तब हम एक्ट करेंगे। आप मॉडल टाउन में जाइए, 351 सड़कों की जो लिस्ट है वो भी अभी हम बोलेंगे आपको, 351 सड़कों का लिस्ट दिया जाए। और आपको हम अपने ज्वाइंट सेशन का जो तीन आपको हमारी मेयर ने बताया होगा, हमने बहुत अच्छा रास्ता निकाला है, रिकमेंडेशन दिया जो हमारे राइट में है। मुख्यमंत्री को हमने बोला है, उन्होंने बड़े हमें बेइज्जत किया, सब कुछ किया, विजेंद्र किया जाइए, उन्होंने अटैक किया, उसके बाद भी हम अपनी बात बोल करके आए हैं कि आप जल्दी ही विधानसभा का एक इमरजेंसी सेशन बुलाइए। ये लड़का इधर आओ, ये इस लड़के का हाथ बट गया है, विजेंद्र जी यहां बैठिए, दिखाइए, आप दिखाना। मैंने वहां भी कैमरे पे दिखाया था कहीं तो उसका हाथ बचा हुआ, तो अभी उसका ये इस लड़के का नाम गोल्डी शर्मा, ये विजेंद्र गुप्ता जी का निजी सहायक है गोल्डी। इसका पूरा यहाँ पे लगभग 3-3.5 इंच का चीरा लगा है इसको, और विजेंद्र जी को पेट में चोट लगी। क्या पोजीशन है आपकी? मेरा मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं और दवाइयाँ दी गई हैं और उनको इंजेक्शन वगैरह लगे हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और शांति के दूत महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर खेल दिवस पार्टी डे आता के रूप में जाना जाता है। केजरीवाल जी ने विपक्ष को अपने घर बुलाया और उनके साथ हिंसा की, ये महात्मा गांधी जी को उन्होंने चुनौती दिया। एक डेलीगेशन किसी भी सरकारी व्यवस्था में, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकारी वर्ग हो, जिससे समस्या का समाधान हेतु डेलीगेशन मिलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मिल रही है। हम पिछले दिनों मॉनिटरिंग कमेटी से मिले थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले थे, यूडी मिनिस्टर साहब से मिले थे, आज हमने समय लिया था मुख्यमंत्री से मिलने का, क्योंकि जो जो के स्टेक होल्डर हैं सीलिंग को रोकने के, उन सबसे मिलकर के हमने एक सॉल्यूशन की तरफ बात जाए, क्योंकि दिल्ली की सरकार को 351 सड़कों जिन पर सीलिंग हो रही है, पहला तो झूठ आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का और उनके प्रवक्ता का कि 351 सड़कों पर सीलिंग नहीं हो रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जहां सीलिंग हुई है 351 सड़कों पर,
वहां हम मीडिया को लेकर के जाएं और उनको दिखाएं और उन दुकानदारों से बात करवाएं कि हम 351 में आते हैं और हमारे यहाँ सीलिंग हो गई है। तो पहला तो ये है कि 351 सड़कों पर सीलिंग हो गई है और हो रही है, तो वो गुमराह करना है। और 351 सड़कों पर जिस पर लगभग 25,000 दुकानें आती है करीब करीब, इन 25,000 दुकानों को राहत देने का काम दिल्ली सरकार को करना है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार को करना है। खुद सदन के अंदर गोपाल राय मंत्री ने जब हमने इस बात को उठाया था कि आप इनका नोटिफिकेशन कब करेंगे, तो 16 जनवरी को सदन के पटल पर गोपाल राय मंत्री ने यह आश्वस्त किया था कि 22 जनवरी को हमारे पास एनसीडी फाइल भेजेगी और 23 जनवरी को हम उनको नोटिफाई कर देंगे। खुद प्रेस में मीडिया में दिल्ली सरकार ने यह एडमिट किया कि हमारे पास फाइल आ गई है और अब हम उसको नोटिफाई कर रहे हैं। लेकिन जब मनोज तिवारी जी ने कल समय मांगा डेलीगेशन मिलने का, तो लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने जब समय मांगने के बाद अचानक ये कहना शुरू कर दिया कि एमसीडी को हम फाइल भेजें। हम ये जानना चाहते हैं, यही हमने सदन में कहा था कि आपको 351 सड़कों पर जो दुकानदार हैं उनसे क्या दुश्मनी है जो आप उनकी दुकानों को सील करवा रहे हैं नोटिफिकेशन ना करके। बहुत दुख की बात है, जब हम उनके घर गए आज, तो एक डेलीगेशन गया, 17 मेंबर का डेलीगेशन था और हम उनके समक्ष वो मेमोरेंडम और वो सारी फाइल भी लेके गए 351 सड़कों की। ये पूरी फाइल लेकर के गए जो उनको नोटिफाई करनी थी कि हमने उनको दिखा सके और बता सके कि इनमें 351 सड़कों पर कहां कहां सीलिंग हो गई है। जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि वहां सीलिंग नहीं हो रही है, वहां सीलिंग हो गई है। तो बड़ी हैरानी की बात है कि वहां विधायक तो थे ही उनके उन बड़े हॉल में, वहां बाउंसर्स थे, वहां पर एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, वहां पर उनके काउंसलर थी। और हमारा तो उद्देश्य यह था कि हम समय लेकर आए हैं तो हमें 5 मिनट आप एक पेशेंट हियरिंग दीजिए, क्योंकि हमने आपके समय मांगा है और हम आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहते हैं जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन जिस तरह से वहां पर एक ड्रामेटिक एक नाटक करने की कोशिश की गई, जिस तरह से मनोज तिवारी जब बोल रहे थे तो विधायकों ने कहा कि यहां बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके बाद जब हमको लगा कि यहां पर समस्या का समाधान हेतु मुख्यमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं है, बजाय इसके वो इस पर हमको ह्यूमिलेट करना चाहते और इस पर राजनीति करना चाहते, तो हम लोग बाहर आए। तो बाहर आकर देखा तो वहां पर जैसे अंदर था वैसे जब उससे ज्यादा लोग बाहर गुंडागर्दी के लिए खड़े थे। उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज किया, मारपीट की, हमको चोटे आई, उसकी FIR दर्ज हो गई है जिन जिन विधायकों ने हमला किया, और उनको केजरीवाल जी ने अंदर से बाहर भेजा, क्योंकि जो विधायक अंदर थे वो मॉब में भी थे बाहर अटैक करने वालों में, क्योंकि वो केजरीवाल जी के बिल्कुल साथ ही बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अब बाहर जाकर इनको मारो। ये गांधी जी को पुण्यतिथि पर यह श्रद्धांजलि दी जा रही है केजरीवाल जी द्वारा कि वो विधायकों को भेजते ही जाकर इनको मारो, और फिर आकर के वो मॉब को प्रोक करते हैं और मॉब अटैक हमारे ऊपर किया जाता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, हमें चोटें आती हैं। अभी मेडिकल हुआ है, उसमें मेडिकल रिपोर्ट भी सारी उसमें आई है, मेरे सीने पर पेट पर जो चोटें लगी है ECG वगैरह सब किया गया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, उनको पट्टी किए, इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। तो सवाल ये है कि दिल्ली की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, दिल्ली की जनता को लग रहा है कि हमारी समस्या का समाधान करने के बजाय दिल्ली की सरकार ऊपर राजनीति कर रही है। हम दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाते हैं, हम एक एक व्यापारी एक एक वर्कर के साथ खड़े हैं जो उन दुकानों पर काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी अंतिम सांस तक दिल्ली के व्यापारियों के हितों की रक्षा करेगा, और हम इस सीलिंग को रुकवाने के लिए व्यापारियों को राहत देने के लिए इसी तरह संघर्ष जारी रखेंगे। हम दिल्ली के व्यापारियों को विश्वास दिलाते हैं, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है, आपका आपके आपका भविष्य हमारे लिए एक बहुत ही संवेदनशील इशू है, विषय है, और हम
दिल्ली के किसी भी व्यापारी को इसमें जरा भी आहत नहीं होगी। दोस्तों इसी के साथ मैं एक बार फिर से इस बात को बताना चाहूं, नीमा जी आ जाओ, नीमा भगत जी से यह स्पष्ट हो गया है, आज की घटना ने बता दिया कि एक तो ये सरकार शिलिंग की समस्या को, दिल्ली की समस्याओं को लेकर के गंभीर नहीं है। इन्होंने अपने व्यवहार से आज स्पष्ट कर दिया है कि इनको किसी प्रोटोकॉल में किसी भी अतिथि सत्कार क्या होता है तो छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से दिल्ली की समस्याओं के गंभीर होना तो दूर, ये मूलतः अर्बन नक्सलाइट की भूमिका में है और हम इसको कंडेम करते हैं और हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे एमसीडी ने इमरजेंसी सेशन बुलाया, ज्वाइंट सेशन बुलाया, आप बीजेपी को जितनी गाली देना हो दे लो, हम लोगों के ऊपर अटैक कराना हो करा लिया आपने, हमारी कंप्लेन हुई है, पुलिस को जो करना है, जो कानून न्याय व्यवस्था होगी वो देखेगा। लेकिन अभी भी मैं प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली के लोगों को सीलिंग से बचाने के लिए आप इमरजेंट विधानसभा का सत्र बुलाओ, हमारी जितनी भी आगे की हमारी जो कोशिश होगी हम उसको लेकर के उन एजेंसी के पास जाएंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी दिल्ली के लोगों को सीलिंग से बचाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, अपने तीनों एमसीडी के लोगों को बोला है कि जो सील हुई दुकानें हैं उनको अपने तीनों निगमों के स्तर पे जल्दी से जो गलत हुई है उसको डीसील करने की जो व्यवस्था है उसको लागू कराइए, उसके लिए जितना तीव्र स्तर पे कार्य हो वो करें और बाकी के कार्य के लिए हम लोग जल्दी ही एलजी से भी समय मांगेंगे और हम अपने यूडी मिनिस्टर से भी मिलेंगे, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल से हम कोई आशा नहीं कर सकते। मनोज जी इस तरीके से आज वहां पे घटना हुई, क्योंकि आप लोगों का दिल्ली सरकार से और केजरीवाल से भविष्य में भी वास्ता पड़ेगा, तो क्या किसी और मुद्दों को लेकर दोबारा आप मिलने जाएंगे? अब आप सोचे कि पहली बार तो उन्होंने मुझे कई बार मांगा समय, पहली बार समय दिया और पहली बार में हमको खिंच करके आना पड़ा, हमारी महिलाएं चोट खाकर आई हैं, जो इंसल्ट हुआ है इसके बाद क्या संभावना बचती है आप सब विचार कर सकते हैं, हमें नहीं पता हम इस पे क्या बोल सकते हैं, लेकिन दिल्ली की समस्याओं के लिए तो हम बार बार झुकते रहेंगे, दिल्ली की समस्याओं के लिए चाहे जितना भी हो हम वो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इसके बाद भी अगर उनको लगता है कि हमसे गलती हुई है, हम ये काम कर सकते हैं, तो हम फिर उस पर उनके साथ बैठने का कोशिश करेंगे। अगर केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहते तो दिल्ली में एक भी दुकान सील नहीं किया जाता, बीजेपी में ठीक ठाक अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अगर उनको कुछ करना होता तो कितनी बार सत्र बुला लेते हैं, ये सीलिंग के मुद्दे पे सत्र क्यों नहीं बुलाया? सीलिंग के मुद्दे पे निगमें ज्वाइंट सेशन बुला सकती हैं ऐतिहासिक, तो सीलिंग के मुद्दे पे स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला सकते थे? कभी नहीं बुलाया। हम जब मिलने जा रहे हैं तो कह रहे आप मेरे साथ यहां चलिए वहां चलिए, आप पहले ही साल भर बाद बोलते मनोज तिवारी या जो भी साल भर बाद हमारी बीजेपी को बोलते कि आप लोग चलो इसमें साथ चलने में, चल देता हम लोग चल देते। तो मूलतः बात यह है कि उन्होंने अब तक तो उनको जानकारी नहीं थी कि उनको करना क्या चाहिए, जनवरी में जाकर तो उनकी आंख खुली है, तो इस तरह से जो स्थिति है वो गंभीर नहीं दिखेगा। मनोज जी आप मुलाकात कर रहे हैं तो हम लेटर लिख लिए, एलजी से मिल लिए, यूडी मिनिस्टर से मिल लिए, कोई समाधान नहीं निकला है, या फिर डेडलॉक टूटे कैसे? जो अधिकारी हैं या जो व्यापारी है फरी रास्ता क्या निकलेगा इससे? देखिए हमें ये आशा नहीं थी कि इस प्रकार का व्यवहार अरविंद केजरीवाल करेंगे और ऐसे जिम्मेदारियों से भागेंगे, इतना अनसीरियस बिहेवियर दिखाएंगे। अब हमारे पास अगला जो रास्ता है, अब हम इन सारी चीजों को लेकर के हम बोलेंगे, केंद्र को बोलेंगे आप दखल दो, आप अरविंद केजरीवाल की किसी बात की चिंता मत करो, ये दिल्ली को तकलीफ देना चाहते हैं, इसके लिए अभी जो भी टॉप लेवल हमको कार्रवाई हो सकती है वो कराने की कोशिश। क्या बीजेपी इस मसले को लेकर सड़कों पर जाने वाली है? निश्चित रूप से सड़कों पर जाने वाली है, लोगों को तो बताना पड़ेगा।
क्या रहेगा इसका अगर सड़कों पर जाते हैं तो नहीं जो व्यवहार उन्होंने किया है यार उसको लेकर के हम सड़कों पे जाएंगे और जिस प्रकार का उन्होंने हर सीरियसनेस दिखाया है वो दिल्ली की जनता को बताएंगे और हम आपसे वो व्यवहार नहीं दिखा सकते जो अनसीरियस अरविंद केजरीवाल जी का रहा है। आगे हम इसको अपने यूडी मिनिस्टर से लेके अपने एलजी से लेके इन लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि इसमें कुछ नया रास्ता निकाले। एक सेकंड हमारे महामंत्री कुलजीत जी एक वीडियो छोटा सा आपको दिखाना चाहते हैं। एक बार सुन लीजिए, खुद ही ट्वीट किया है और उन्हीं के द्वारा भाई से तो भूल गया, उसमें वो कह रहे हैं पकड़ो इनको, क्योंकि वीडियो के बीच में 35 सेकंड पे आएगा। माइक पे लगाओ, पकड़ो इनको। केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि पकड़ो इनको, ये वीडियो दिखा रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। अच्छा, जो मीटिंग तय हुई आवाज आ रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल की दिख भी रहे हैं ऐसे करते हुए इशारा, पीछे चलो इनके, आवाज आने के बाद हो रही है कि पकड़ो इनको। तिवारी जी सर, वीडियो यूट्यूब पे है। तिवारी जी आपने सर जी सर वीडियो व्हाट्सएप करो, एक एक कर पड़ा वीडियो को ग्रुप में डालो। तिवारी जी जो मीटिंग आप लोगों की तय हुई थी, तिवारी जी इस वीडियो को भी सबके पास ट्वीट है तो देखो। तिवारी जी जो मीटिंग तय हुई थी क्या ये पहले से तय हुआ था, बताया गया था कि मीटिंग में कितने लोग रहेंगे, कितने विधायक आएंगे, पार्षद आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, बीजेपी के कितने लोग जाएंगे, ये कुछ तय हुआ था? हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हमने उसको चिट्ठी में बताया था कि हम ये कौन कौन लोग आएंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कितने लोग मिलकर के आपसे मिलेंगे। तो शिष्टमंडल तो मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तो मुख्यमंत्री मतलब एक ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, डेढ़ सौ तो नहीं हो सकते। और ये निश्चित रूप से हमको जानकारी नहीं दी गई थी कि वो बाउंसर लेके बैठेंगे या सामाजिक तत्व लेके बैठेंगे, इसकी कोई जानकारी। सर आपके जाने के बाद, सर आपके जाने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के सामने ऑन कैमरा ये सब प्रोसीडिंग इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैं अंदर के कमरे में बंद कमरे में अगर इनसे बात करता तो ये बाहर आके और कुछ और बात कहते, इसलिए मैं अब देखो आप देखिए ये जो बात वो कह रहे हैं, हम तो मीडिया के सामने बात करने में कोई परेशानी नहीं हुई हमको, हम तो बैठ ही गए, लेकिन मीडिया के सामने इंसल्ट करेंगे ये थोड़ी बताया था। उन्होंने क्या डायलॉग बोला, मनोज तिवारी ये भाषण बंद करो, हमारा भाषण सुनने नहीं आए, आपके कैमरे में भी होगा तो अगर इसके लिए आप मीडिया बुलाए हो कि हम देखो हमने घर बुला करके और बीजेपी के सांसदों का अध्यक्ष का इंसल्ट कर दिया, अगर यही आपकी नियत है तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो सिर्फ क्रोध पैदा करता। देखिए अगर ये हम डेडलाइन हम ही बता पाते आपको तो हम इतना परेशान क्यों होते, लेकिन हम इतना जरूर आपसे बताना चाहते हैं कि चाहे हम लोगों को किसी के सामने भी बैठना पड़े हम दिल्ली की जनता को यथाशीघ्र राहत दिला के ही रहेंगे, ऐसा बीजेपी ने प्रण कर। हम संसद में भी